यदि आपने कभी योनो SBI एप्लीकेशन का बड़े ध्यान से उपयोग किया होगा तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है OTP मैनेजमेंट। तो OTP मैनेजमेंट का क्या अर्थ होता है और आपको इसका प्रयोग कैसे करना है, पूरी बात इस वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहले चलिए आपको साइड में मोबाइल स्क्रीन दिखा देता हूँ। OTP मैनेजमेंट का मतलब होता है, यदि आप कोई भी योनो SBI से एप्लीकेशन हो गया या इंटरनेट बैंकिंग का माध्यम हो गया, कहीं से आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको एक OTP की ज़रूरत होती है। उसमें चाहे आप 500 का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, 1000 का कर रहे हो या लाख का कर रहे हो, लेकिन OTP मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो 1 रुपये से लेके 10,000 तक की बीच की एक लिमिट देता है, जिसमें यदि आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको कोई OTP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप घर बैठे सेट कर सकते हो। OTP मैनेजमेंट को सेट करने के बाद में आपको, जैसे मैंने सेट कर ली 5,000 की लिमिट, तो अब जब तक मैं 5,000 की लिमिट से नीचे का कोई ट्रांजेक्शन करूँगा, या तो योनो SBI ऐप से करूं या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से करूं, तो मुझे कोई भी OTP देने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन जब 5,000 से ऊपर ट्रांजेक्शन करूंगा तो मुझे OTP की ज़रूरत पड़ेगी। अभी OTP मैनेजमेंट में 1 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की लिमिट है, इसके बीच में ही आप अपनी ट्रांजेक्शन लिमिट सेट कर सकते हो। यदि इससे ऊपर ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको OTP की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, यदि चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।